तो ये है कटरा जो कि जम्मू में स्थित है और यहीं से शुरू होती है माँ वैष्णो देवी के पावन स्थल तक पहुँचने की यात्रा। और यही वो रास्ता है जहाँ से आपको पद यात्रा शुरू करनी पड़ेगी और आप पहुँच जाओगे माँ वैष्णो देवी के मंदिर तक। रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, 10,000 से ज़्यादा स्टेप्स मैंने हेल्दीफाई ज्वाइन किया हुआ है तो उसमें स्टेप ट्रैकर है, तो उसमें मैंने देखा कि हमने 11,000 स्टेप अब तक चल चुके हैं और हम लोग अभी तक पहुँचे भी नहीं हैं। अभी अर्धकुमारी पहुँचने में कितना टाइम है? आधा घंटा। हिम्मत रखनी पड़ेगी। कुछ बोलना चाहती हूँ, बहुत दूर है लेकिन फिर भी आप लोग आइए माता का दरबार। ये हमारा रूट है जिसमें हम चलते आ रहे और चल ही रहे हैं, चल ही रहे। और ये 5 नहीं, हम 6 बजे से चलना शुरू किए। 5 बजे हम होटल से निकल गए थे और 6 बजे से हम यहाँ के नीचे से चलना शुरू किया। हमारा पहला दिन दिल्ली से कटरा यानी कि जम्मू को, जहाँ से हमें चढ़ाई शुरू करनी थी। समय सुबह का 6 बज रहा था और वेदर भी काफ़ी हद तक सही था। जून का महीना है 2022 का और जैसे जैसे टाइम कट रहा था तो हमें भी दिल्ली की गर्मी का पता चल रहा था। फिर हम पहुँचे पहलवान ढाबा, जो कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दिल्ली से निकलने पे आपको मिलेगा और ये ऑन द वे टू कटरा है। यहाँ हमने अपना ब्रेकफास्ट किया, पराठे, मक्खन, गुड़ वाली चाय और जो कि मेरा फेवरेट है, सोनीपत में मुरथल में पराठे खाना देसी स्टाइल में। अगर आपने अब तक नहीं किया तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। यहाँ सब कुछ प्योर वेज है देसी स्टाइल में। पहलवान ढाबा के अलावा यहाँ और भी ऑप्शंस है जैसे कि अमरिक सुखदेव हवेली, लेकिन यहाँ थोड़ा सा रश कम था और खाना उतना ही लाजवाब। ब्रेकफास्ट के बाद फिर से निकल चले हम अपनी मंजिल की ओर, दिल्ली से जम्मू। हमने लंच हवेली जो कि जलंधर में है पंजाब, वहाँ किया। को जाते हुए सोनीपत, पानीपत, लुधियाना, जलंधर, ये सब रास्ते में आता है। अपने हिसाब से अपना ब्रेकफास्ट और लंच डिसाइड करके जाए कि आप मुरथल में अपना ब्रेकफास्ट करें और पंजाब में अपना लंच करें, तो हमने भी वही किया। यहाँ पंजाब का ऑथेंटिक फूड मिलता है तो सबने पेट भर के नहीं, मन भर के खाना खाया है। मैं हवेली का अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर आप इसका अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ टेबल, चेयर,
सारी चीज़ें जो एक एक हम मुझे दिख रही थी वो सारा ट्रेडिशनल स्टाइल में बना हुआ था और पूरा पंजाब दिख रहा था। यहाँ इनके मेनू भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हवेली स्पेशल है और साथ में इनका प्राइस भी आपको दिख जाएगा। लो हम पहुंच गए कटरा और ये रात का सीन है और मुझे कल इस माउंटेन पे इसके टॉप पे जाना है वो भी पैदल। तो भैया मुझे तो अभी से टेंशन होने लगी। ये मेरा रूम है होटल का जो कटरा में हम रुके और बहुत ही अच्छा है और बजट में है और ये आता है आपका रेलवे रोड कटरा में। होटल का नाम है द लीफ। कार्ड कैश एक्सेप्ट होते हैं यहाँ पे। होटल से हमने ऑटो कर लिया था वहाँ तक के लिए जहाँ से हमें चढ़ाई स्टार्ट करनी है और इस जगह पे बहुत सारे घोड़े और आपको बहुत सारी शॉप्स दिख जाएंगे। वो जो ऊपर में आप देख रहे हो ना वाइट कलर की बिल्डिंग, तो मुझे वहाँ तक जाना है। वन मोर थिंग, जैसे ही आप जम्मू एंटर करोगे आपका प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन अगर है तो वो बंद हो जाएगा, ओनली पोस्टपेड ही चलेगा। तो याद से पोस्टपेड कनेक्शन लेना मत भूलना और यहाँ आने से पहले कैश कैरी करना ज़रूर याद रखना, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर जगहों पे ऑनलाइन पेमेंट कार्ड या पेटीएम जैसी कुछ कोई सुविधा नहीं है, तो आपको कैश से ही डील करनी पड़ेगी। तो आप याद से कुछ थोड़ा बहुत कैश अपने पास हमेशा रखा करो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और ये सफ़र स्टार्ट हो गया मेरा यात्रा के लिए। अगर आपको पैदल चढ़ने में दिक्कत होती है तो आप घोड़े का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ घोड़ा इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। पालकी से भी आप चढ़ाई कर सकते हो अगर आपको घोड़ा नहीं लेना तो, और बच्चों के लिए प्रैम वगैरह भी है। देयर आर मेनी ऑल्टरनेट ऑप्शंस, इनमें से फेवरेट वाला जो है मेरा वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। खाने की चिंता ना करें क्योंकि यहाँ पूरा रास्ता खाने पीने की चीज़ों से ही भरा हुआ है। बहुत सारे दुकानें हैं, आपको आपके मनपसंद का कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। बीच बीच में आपको खाने पीने की चीज़ें मिलती रहेंगी तो आप चिंता ना करें। और ये एकदम जब तक आप ऊपर तक पहुँच जाओगे वहाँ तक ये सारे दुकानें कंटिन्यू चलेगी। ऊपर पूरा शेड है तो अगर आप दिन में भी चल रहे हो तो भी कोई उतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, काफ़ी अच्छा शेड बना रखा है। और मैंने ये देखा जब हम वापस लौट रहे थे तो रात पे भी बहुत लोग चढ़ाई कर रहे थे गर्मी से बचने के लिए। पर नमस्ते जी, किधर आए भी नहीं तुम। पर्सनली स्पीकिंग मुझे सुबह वाली जो सुबह वाली जो यात्रा है मुझे वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत ही भीड़ भाड़ कम था और दिन में आपका मन भी खुश रहता है, चारों तरफ लाइट रहती है, नेचुरल लाइट रहती है, तो आपको बहुत ज़्यादा एक अंदर से खुशी मिलती है। बीच बीच में ऐसे फ़ोटोशूट के लिए भी शॉप्स थे जहां आप यहां कश्मीर की कली बन सकते हो या मोदी जी के साथ भी अपनी फ़ोटो खिंचा सकते हो। तो गर्मी बहुत हो रही है, यहां जम्मू का टेम्परेचर जो है 34 डिग्री है। ये जून का महीना है तो हो सकता है अगर आप मार्च में आओ तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।
टोटल 14 किलोमीटर है, 23,500 स्टेप्स एक साइड का मैंने उस दिन कंप्लीट किया। टोटल जो हमें समय लगा वो करीब करीब 5 से 6 घंटे एक साइड के, और फिर वापस आने में 5 से 6 घंटे। तो आप कोशिश ये करिएगा कि जितना हो सके अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करने का। मेरे से ऐसे कंटिन्यू चला नहीं जा रहा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी चल रहा है यहाँ पे। यहाँ ज़्यादातर पब्लिक थोड़ा सा कवर्ड क्लोथ्स ही पहने हुए है। हाँ, एक्सेप्शनल एक दो तो दिख जाते हैं, बट यहाँ एक दो जगह पे आउटफिट के लिए भी लिखा हुआ था स्पेसिफिकली कि आप बस सूट और कुर्ती और कुर्ता जीन्स ऐसा ही कुछ पहने। जो चलने में, और इट डिपेंड्स ऑन चलना कि आप कितने स्पीड में चल रहे हो। थोड़ा जोर से बोलो, इसमें जोर से बोलो, सुनाई नहीं मेरी आवाज ही नहीं। हाँ, और बाकी डिपेंड करता है आप कितना तेज चल सकते हो। सीढ़ी नहीं लेना, नो सीढ़ी, डोंट टेक स्टेप्स, ऐसा नहीं है स्टेप्स। हाँ, स्टेप्स शॉर्टकट है, शॉर्टकट के लिए स्टेप्स है, तो वो आप ले सकते हो, लेकिन उसमें कंटिन्यू चलना हाँ, होता है। पॉइंट के बाद अच्छा है ना, सीधा सीधा अच्छा है। हाँ, पॉइंट के पहले चलो। हाँ, आप सीढ़ियों से चलो और फिर थोड़ा सा रेस्ट ले लो, और नहीं तो ऐसी बैटरी कार आती है इस तरीके की, वो ले सकते हो। पर ये बैटरी कार आपको मिलेगी बीच रास्ते में कहीं, वहाँ तक तो वहाँ तक आप इधर घोड़ा या फिर पिट्ठू या फिर पालकी, इन सब चीज़ों से आ सकते हो। नीम कोटी डोसा पॉइंट है जहाँ मैं डोसा नहीं खा रही हूँ, और यहाँ से हम पहाड़ के टॉप पे हैं अभी। यहाँ से हमें पहाड़ के बैक साइड जाना है, हम अभी टॉप में हैं। बारह किलोमीटर हम चल चुके हैं, और अभी और 2.5 किलोमीटर और बचा हुआ है। मुझे रास्ते में ऐसे आधे टूटे फूटे से भी कुछ रास्ते दिखे, सीढ़ियाँ बनी हुई थी, तो हो सकता है ये पहले इसी सीढ़ियों से ही चढ़ाई होती थी। भैरव मंदिर तक जाने के लिए आपको रोपवे मिल जाएगा, तो आप बहुत ही आसानी से वहाँ पहुँच जाओगे। इसकी अलग टिकट होती है, और एक टिकट 100 रुपये का होता है। ये लॉकर एरिया है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल, लेदर बेल्ट, जूते सब लॉकर में रख के जाना पड़ेगा। चढ़ाई करते समय मैंने कुछ छोटे छोटे मंदिर, पूजा स्थल भी देखे, जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और यहाँ से आपको खुद ही यात्रा करनी पड़ेगी माँ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि यहाँ से कैमरा अलाउड नहीं है। Yes, lady.
माँ वैष्णो देवी के जो एक्चुअल मंदिर है, जिनके दर्शन के लिए दूर दूर से यात्री आते हैं, वो वहाँ पे तीन देवियों का पिंड बना हुआ है, जो कि एक बड़े से पहाड़ के बीच में गुफा सी बनी हुई है उसके अंदर। यहाँ आने से पहले याद से सारी बुकिंग एडवांस में करके रखें, जैसे कि यहाँ का होटल का बुकिंग, यहाँ बैटरी कार जो आप यूज़ अगर करोगे तो उसकी बुकिंग, या फिर जो भी आप यहाँ पे घोड़े तो वैसे ही आपको मिल जाएंगे, आपसे बार्गेन करेंगे भैया, तो घोड़े का जो प्राइस है वो लगभग 600 से 800 तक लेता है। पालकी भी उसी टाइप का है, 800 से 1000-1100 तक का, और प्रैम वगैरह बच्चों के वो सस्ते होते हैं, वो 300। और यहाँ आप बाय ट्रेन बाय रोड दोनों से ही आ सकते हो, और यहाँ के लिए आपको फ्लाइट भी मिल जाएगी। और ये मेरा फेवरेट ऑप्शन है, अगली बार मैं जब आऊँगी तो मैं हेलीकॉप्टर से ही आऊँगी। जय माता दी, जय माता दी।